दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आरू की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो, आज है नवमी, तो आज हम बैठाने जा रहे हैं कन्या, तो हम बनाने जा रहे हैं उनके लिए भोग। और हम क्या क्या बनाने जा रहे हैं अभी आप लोगों को दिखाते हैं। ये है आलू, ये है चने, इसमें टमाटर मसाला पिसा हुआ रखा है, यह हरी मिर्च। इधर देख सकते हैं हमने तेल रखा है गर्म होने के लिए, इधर हमने सब्जी के लिए रखा है, इधर हमने रखा है चने के लिए। पहले हम छोंक लेंगे चने, उसके बाद हम छोंकते हैं सब्जी। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें हम थोड़ा जीरा डाल देते हैं। अब क्या है, हमारा तेल हो चुका है अच्छे से गर्म, हम इसमें डाल देंगे जीरा। अभी हमने डाल दिया इसमें चने, गंदे प्याज के, हमारे चने बिल्कुल तैयार। नमक और काली मिर्च वाले इधर हो चुका है रिफाइंड हमारा अच्छे से गर्म। अब हम बना लेते हैं अपनी सब्जी। लोग देख सकते हैं रिफाइंड अच्छे से गर्म हो चुका है, रिफाइंड हो चुका है गर्म। हम उसमें पहले डाल देते हैं हम जीरा। जीरा डालने के बाद हमने डाल दिया इसमें हींग, यह है टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। अब हम इसको ये डाल देंगे। इसमें हमने डाल दिया है टमाटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट। अभी को हम अच्छे से भून लेंगे, कम से कम 2 से 3 मिनट या जितना अपना टाइम लगेगा उतना अच्छे से इसे भूनेंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारे टमाटर अच्छे से भूनने लगे हैं। जो टमाटर है उनसे तेल देखो अलग होने लगा है, मतलब जो टमाटर की प्योरी थी, जो लहसुन हमने डाला है वो अदरक वगैरह डालते नहीं, लहसुन आज कुछ चार्ज डालते नहीं है लहसुन चार्ज। तो जो हमें आज हम बिल्कुल सिंपल सब्जी बनाने जा रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं टमाटर से तेल था वो अलग होने लगा है और टमाटर अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें डालते हैं अगला स्टेप, अगले जो इसमें मसाले डालने वो डालते हैं। ये है मसालेदानी, अब इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच मिर्च, हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी ये मसाला, इसमें थोड़ा सा डाला मैंने गरम मसाला, और इसको देखो कि भून लेंगे। ये देखो हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से भून चुका है, जो तेल है वो पूरा अलग हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे आलू, हमने उबाल कर मैश करके रखे हुए थे। ये डाल दिया इसके अंदर आलू, और ये थोड़े से चने बच गए थे उसमें एक्स्ट्रा हो गए थे, तो ये चने भी इसके अंदर ही ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं पानी, जिस टाइम तक हमारी सब्जी बनती है तो उस टाइम तक हम मार लेते हैं आटा पूड़ियों के लिए। जिस टाइम तक हमारी सब्जी कंप्लीट होती है, थोड़ी सी कसर है उसमें, उस टाइम तक हम बना लेते हैं अपना हलवा।
हलवे के लिए मैंने पानी चढ़ा दिया है और आप लोग देख सकते हो मैंने सूजी पहले ही भून के रखती थी। तो बस अभी मैं पानी चढ़ा दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। और सब्ज़ी हमारी लगभग बनाई है, आप लोग देख सकते हो हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बन चुकी है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ धनिया। तो बन गया सब कुछ। हमारी सब्जी इधर पानी हो चुका है, ले फिर हमारा पानी गर्म हो चुका है। अब मिट्टी डाल देते हैं चीनी, इसमें डालती हूँ चीनी। अब मैंने इसमें डाल दी थोड़ी सी किशमिश जो धो ली है। इधर पानी गर्म हो गया है, हमारा चीनी भून चुकी है, तो हमें किशमिश को इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ऐड पानी को थोड़ा बॉईल आने देते हैं चाशनी में। हमारा पानी हो चुका है गर्म, अच्छे से चीनी मैश हो चुकी है इसके अंदर। अब इसमें हम डाल देंगे अपनी जो सूजी थी वो डाल देंगे इसके अंदर, धीरे धीरे डालेंगे एकदम से, और उसे फिर हमें चलाना है। चलाना है, अगर हम इसे चलाएंगे नहीं तो इसमें मैसेज हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो गया अच्छे से। अभी मैं इसके ऊपर हल्का सा डाल दूंगी घी, क्योंकि मैंने सूजी भूनते वक्त मैंने इसमें घी डाल दिया था, तो मैं इसे ज़्यादा घी नहीं डालूंगी, बस थोड़ा सा डालूंगी इसके अंदर। और मैंने लिया है ये, उनको अभी दिखाती हूँ मैंने किस चीज़ का घी लिया है। मैं बस थोड़ा सा घी डालूंगी ऊपर से, क्योंकि मैंने इसमें सूजी भूनने का टाइम था, इसमें काफ़ी घी है। मैंने लिया है ये मिल्क फूड वाला घी, तो बस मैंने वो डाल दिया इसमें। अब इसको मैं मैश कर देती हूँ अच्छे से। जो हलवा है वो हमारा बिल्कुल खिला खिला बने। वैसे तो आप लोग देख सकते हैं हमारे मात्रा ने बहुत का लोग बहुत ही सॉलिड वाला दिख रहा है, स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। अब ये माता रानी के भोग लगने के बाद इसमें पता चलता है कि कैसा टेस्ट आया है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आज जो मैंने आपको रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की, आप लोगों को अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताना कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी। और ऐसी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे, बस बीच में कुछ प्रॉब्लम्स ना आए। माता रानी की मेहर रहे, आज हम माता रानी की कंजिकाई करने बैठाने वाले हैं, तो बस उसी की प्रिपरेशन चल रही है। ये आ चुका है मिस्टर आरू अपनी छोटी सी बुआ रुचि के साथ घूमी घूमी करके। अभी ये कंजो माता है, ये छोटा सा वो है क्या बोलते हैं उसको, लांगूर है ये मेरा। अब मैं हलवा में डाल देती हूँ अपनी गोला जो मैंने घिस के रखा था। हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है, आप लोग देख सकते हैं हमारी पूड़ियाँ भी रेडी हो चुकी हैं। हमारी पूड़ियाँ कितनी अच्छी फूली फूली बन रही हैं, लोग अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा माता रानी का कंप्लीट प्रसाद रेडी हो चुका है। इधर हो रही है अग्यारी, जिसपे आज के दिन अग्यारी होती है, गोबर का कंडा है जो जला रहे हैं जिसे, और फिर से हम अग्यारी करेंगे, माता रानी की पूजा करेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही, अगले ब्लॉग में आपको पूजा और कन्या बैठाने की पूल दिखाएंगे कि हम लोगों ने कन्या कैसे बैठाई। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके